हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल मिनी ब्लॉग्स। और मैं फिर से आपके सामने हाजिर हूँ एक और वीडियो लेके। ये मेरा प्लान वीडियो नहीं था, जस्ट ऐसे ही हम बिग बाजार गए घूमने, तो जब से मैंने कुछ चीज़ें पिकअप की तो वो मैंने सोचा आपके साथ शेयर कर लूँ कि मैंने बिग बाजार से कौन कौन सी चीज़ें ली हैं। तो स्टार्ट करते हैं, मैं अपना बिग बाजार हॉल शुरू करती हूँ बिना लेट किए। तो सबसे पहला जो मैंने वहाँ से बिग बाजार से, वो है वी एल सी सी का स्किन डिफेंस वाइट टर्मरिक फेस वॉश। ये मैंने पहले भी एक यूज़ कर लिया है और ये मेरे को काफ़ी बहुत ही अच्छा लगा था, इसलिए मैंने ये वी एल सी सी का वाइट टर्मरिक फेस वॉश चूज़ किया। और ये स्किन डिफेंस है, एंटीसेप्टिक है। अगर आप चाहते हो मैं इसका अलग से रिव्यू दूँ, मैं पहले भी दो महीने से पहले यूज़ करी थी, प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में करिएगा, तो मैं इसका अलग से रिव्यू बनाऊँगी। ओके, और नेक्स्ट प्रोडक्ट है मेरा BLCC का ही प्रोडक्ट है, वो है सनब्लॉक लोशन SPF 20। जैसे कि आप जानते हो कि अभी तो रेनी सीजन चल रहे हैं, इतना धूप नहीं रहता है और हमारा आना जाना जो रहता है वो कम धूप में रहता है, इसलिए मैंने SPF 20 लिया। और ये फॉर ऑल स्किन टाइप है और ये सैंडलवुड का है, सैंडलवुड का विथ सैंडलवुड एक्सट्रैक्ट है। गाइस, इनके सब 10% बिग बाजार में भी ऑफर चल रहा था, सेल चल रही थी, तो सब मुझे ऑफर भी मिले हैं, तो मैं इनका प्राइस अपना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी क्योंकि अभी मुझे करेक्ट नहीं आता है। वह पर वैसे ये 195 का है और ये मुझे अप्रॉक्स 170-180 का पड़ा था। और ये BLCC वाला जो फेस वॉश है ये है 130 का और मुझे ये पड़ा था 90 रुपीज़ का। ओके, हाँ 90 रुपीज़ के पड़ा था, करेक्ट। नेक्स्ट मैंने लिया है निविया। निविया का ब्रांड आप सब जानते हो, निविया जैसा ब्रांड बहुत ही अच्छा है और इसका बॉडी लोशन बहुत ही अच्छा है। इससे पहले मैं वाइट वाला यूज़ कर रही थी, उससे पहले मैं ब्लू वाला ही यूज़ कर रही थी, मुझे ब्लू वाला ज़्यादा बेस्ट लगा वाइट के कंपैरिजन में। और इसमें मिल्क का पोर्शन ज़्यादा है और ये ड्राई स्किन के लिए है। और इसका सबसे अच्छी बात यह है कि आपको बहुत लॉन्ग लास्टिंग मॉइस्चराइजेशन देता है, इसलिए मुझे ये सबसे अच्छा लगा आलमंड ऑयल के साथ है। और ये ऐसी चीज़ों पे थोड़ा इन्वेस्ट भी करो, पैसा खर्च करो तो बुरा नहीं लगता, अच्छा लगता है अपनी बॉडी की केयर के। और ये था 210 का, तो शायद मुझे ये 180-185 तक का पड़ा था। और मैं सारे प्रोडक्ट्स आपको दिखा रही हूँ गाइस, और इनमें से अगर आपको कोई भी प्रोडक्ट ऐसा है जिसका मैं अलग से रिव्यू दूँ तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में करिएगा। और मुझे प्लीज़ बताइएगा इन कितने प्रोडक्ट्स में दिखा रही हूँ, मुझे सबसे आपका फेवरेट प्रोडक्ट कौन सा है और सबसे अच्छा प्रोडक्ट आपको कौन सा लगा। अब मैंने नेक्स्ट जो लिया था वो मैंने लिया था पैंटीन का हेयर फॉल कंडीशनर लिया था गाइस। ये मैंने लिया, ये मैं यूज़ कर रही हूँ, एक साल से मेरा ख़त्म हो गया हुआ वाला थोड़ा अच्छा हेयर ग्रोथ है और ये बहुत ही बजट फ्रेंडली है। इसका मैं अलग से वीडियो बनाऊँगी बजट फ्रेंडली कंडीशनर में, क्योंकि ये बहुत ही अच्छा हेयर फॉल कंट्रोल है और पैंटीन का ब्रांड है। दूसरा इसका तो विटामिन सी के साथ है और सही में ये जो कंपनी क्लेम कर रही है हेयर फॉल कंट्रोल वो मुझ पर तो असर हुआ है, तो मैं ये आपको नेक्स्ट रिव्यू जब बताऊँगी तो उसमें पूरा इसकी डिटेलिंग बताऊँगी और और इसका प्राइस 139 था, तो ये मुझे मिला था 100 रुपीज़ का शायद, या 105 का पड़ा था। ओके, और मेरा नेक्स्ट प्रोडक्ट है, हाँ करेक्ट, ये मुझे नया प्रोडक्ट लगा वहाँ पे बिग बाज़ार में, ओजोन नीम फेस पैक, ओजोन का नीम फेस पैक। पर मैंने इसके और भी हाँ प्रोडक्ट देखे, इसका अब देखा था तो मैंने सोचा क्यों ना इसको ट्राई किया जाए। ये मेरा फर्स्ट टाइम प्रोडक्ट है और इसका मैं रिव्यू बनाऊँगी, तो आपको पूरा डेमो दिखाऊँगी कि कैसा रहा मेरे इफेक्ट पे, इसके बारे में मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोल सकती। और ये 10 रुपये का था तो मुझे फिर शायद 90 रुपीज़ के पड़ा। नेक्स्ट मैंने लिया था पतंजलि का फेस पैक लिया था, ये नीम एलोवेरा फेस पैक है, ये मैं पहले यूज़ कर चुकी थी, मुझे काफ़ी अच्छा लगा था, तो मैंने सोचा मुझे फर्स्ट यूज़ करूँगी, मैं नेक्स्ट यूज़ ले लूँ। और विथ कुकुम्बर के साथ ही बहुत ही कूलिंग इफेक्ट देता है, लेकिन मुझे काफ़ी अच्छा लगा। नेक्स्ट मैंने एक और जो लिया था, जैसे कि आपको पता है मेरी छोटी सी बेबी है 2 साल की, तो उसको कैसे भूल सकती हूँ, तो उसके लिए मैंने डाबर लाल तेल लिया था और इसका भी मैं रिव्यू दूँगी। जॉनसन बेबी और डाबर लाल तेल के कंपैरिजन बताना है मुझे अपने गाइस को, फ्रेंड्स को, क्योंकि ये मुझे डाबर लाल तेल बहुत ही अच्छा लगा, बेस्ट लगा अपने बच्चे के लिए और इससे काफ़ी अच्छा मसाज होता है उनका। तो मैं ये मेरी शीशी
पता नहीं कौन से नंबर की, मुझे पता नहीं मैंने कितनी शीशियाँ उससे लगा दी, तो ये वो ख़त्म हो गया था। मैंने उसका भी प्रोडक्ट ले लिया, अपने साथ साथ बच्चों का भी ध्यान रखना है हमें। और मैंने एक चीज़ नेक्स्ट मेरा प्रोडक्ट है पतंजलि का ही है, पतंजलि का हेयर कंडीशनर लिया है। इसको भी मैंने पहले ट्राई किया है, इसका इफेक्ट अच्छा था, तो मैंने पैकिंग के साथ साथ इसको भी लिया, क्योंकि ये तो बहुत ही बजट फ्रेंडली है और बहुत अच्छा है, तो इसलिए मैंने इसको भी लिया। और इसकी प्रोटीन के साथ है वो दो जितने प्रोडक्ट्स मैंने दिखाए इन सब में से आपका आपको कौन सा प्रोडक्ट सबसे अच्छा लगा और कौन से प्रोडक्ट का रिव्यू मैं दूँ, तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं उसका अलग से रिव्यू बना दूँगी। ओके गाइस, ये वीडियो मेरा पसंद आया हो तो प्लीज़ मुझे लाइक करिएगा, और सब्सक्राइब नहीं किया है मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब करिएगा। मेरे ऐसे ही वीडियो देखने के लिए नोटिफिकेशन बेल है उसको टैप करिएगा, और शेयर तो करना बनता है यारों, प्लीज़। ओके, बाय बाय।